सेक्स रैकेट का खुलासा। दिन में परोसी जाती थी मटन बिरयानी और रात में परोसी जाती थी शराब व सबाब। सेक्स संचालिका महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में 3 युवक और 2 युवती गिरफ्तार। शहर के बीचों बीच इलाहाबाद बैंक के ठीक ऊपर फैमिली रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट की खुलासा से शहर के होटलों और रेस्टोरेंट पर भी होने लगी है संदेहास्पद चर्चाएं। सूत्र न्यूज 9 टाइम्स, बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया पुलिस जिला में सोमवार देर रात्रि लगभग 10 बजे के करीब शहर की जनता अजंता सिनेमा के सामने जाने जाने वाली मुख्य मार्ग के में स्थित इलाहाबाद बैंक वाले मकान के ठीक ऊपर बिरयानी हाउस फैमिली रेस्टोरेंट से देव व्यापार का संचालन होते बेतिया पुलिस ने रंगे हाथ छापेमारी कर वेश्यावृत्ति के धंधे का पर्दाफाश किया और मौके से एक संचालिका सहित 3 युवकों व 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रेस्टोरेंट में छापेमारी करते हुए बेतिया पुलिस ने रेस्टोरेंट से कई आपत्तिजनक सामानों को भी बरामद किया है, जिससे सेक्स रैकेट चलाने जाने की पुष्टि भी होती है। छापेमारी में युवक और युवती को भी आपत्तिजनक अवस्था में बेतिया पुलिस ने पाया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बेतिया पुलिस अधीक्षक को कुछ दिनों से बिरयानी हाउस के सेक्स रैकेट की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर उनकी नजर थी और जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि सोमवार की रात्रि 10 बजे कुछ युवक युवती रेस्टोरेंट में गए हैं, तब उनके द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मुकुल परिमल पांडे के नेतृत्व में नगर थाना और महिला थाना को छापेमारी का निर्देश दिया गया और जैसे ही पुलिस ने छापेमारी की सब कुछ देखकर अवाक रह गए। पूरे रेस्टोरेंट में आपत्तिजनक सामान और आपत्तिजनक अवस्थाओं में ही पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा के द्वारा बताया गया कि पुलिस ने सफलतापूर्वक रेस्टोरेंट में अपनी कार्रवाई की और 3 युवक बानू छापर के महंत यादव के पुत्र मुकेश यादव, बसवरिया के वार्ड नंबर 30 के लल्लू पटेल का पुत्र राहुल पटेल और सनिचरी थाना के बिहारी पासवान के पुत्र रामबाबू पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक संचालिका औरत को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में सेक्स रैकेट की नेटवर्क की जानकारी एकत्र की जा रही है। वहीं 2 युवती बैरिया थाना और मनवापुर लोपी क्षेत्र को भी वहां से पकड़ा गया है, जिन्हें गिरफ्तारी के पश्चात मेडिकल जांच GMCH में कराया गया है। पुलिस पूरी तरह से मामले की छानबीन कर रही है ताकि पूरे मामले का उद्भेदन हो सके। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और 3 युवक और 1 संचालिका औरत और 2 युवतियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। न्यायालय के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा तत्काल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। वहीं पड़ताल में गिरफ्तार मुकेश यादव पूर्व में भी महिला पुलिस कर्मियों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जेल की हवा भी खा चुका है और नगर थाना में प्राथमिकी भी पहले से दर्ज है। साथ ही मुकेश यादव एक बड़े राजनीतिक पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता भी हैं। हालांकि इस बेतिया पुलिस की कार्रवाई से संभ्रांत परिवारों में यह चर्चाओं का बाजार रात भर गर्म रहा कि महज महिला थाना से 50 गज की दूरी पर ऐसे फैमिली रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का चलाया जाना कई तरह के सवालों को उत्पन्न कर रहा है। नगर में कुकरमुत्तों की तरह खुल रहे फैमिली रेस्टोरेंट व होटल कई हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कहावत को चरितार्थ तो नहीं कर रहे। दिन में खाना रात में मैखाना तो नहीं होता है ऐसे फैमिली रेस्टोरेंट में, जहां से शहरों के खामोश होने के बाद चमड़ी व दमड़ी का खेल शुरू होता है। ऐसे में कई सामाजिक व प्रतिष्ठित लोगों ने इस घटना को लेकर पुलिस व प्रशासन से शहर के रेस्टोरेंट व होटलों का समय समय पर जांच करने की मांग भी की है। वहीं ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं कि जिस मकान में इलाहाबाद बैंक है उसमें बैंक का CCTV लगा हुआ है। वहीं मकान के अगल बगल भी सभी दुकानों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे में क्या पुलिस CCTV कैमरों की जांच कर पूरे मामले को खंगालेगी, क्योंकि चोरी और अन्य घटनाओं में पुलिस आसपास की CCTV खंगालती है और पूरे मामले का उद्भेदन कर अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। ऐसे में सबकी निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। वहीं सूत्रों की माने तो शहर के कई रिहायशी इलाकों में भी फैमिली घरों के आसपास ये सेक्स रैकेट धड़ल्ले से अपना पैर पसार कर रखा है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक पतन होना लाजमी है। पुलिस छापेमारी में नगर थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार भास्कर, महिला थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राणा रणविजय कुमार, महिला थाना की अवर निरीक्षक सुधा कुमारी, नगर थाना के अवर निरीक्षक अनिरुद्ध पंडित व सहायक अवर निरीक्षक पंकज सिंह के साथ दर्जनों महिला व पुरुष सशस्त्र पुलिस बल सम्मिलित रहे।
कल शाम में एक सूचना मिली थी कि बिरयानी हाउस नाम के एक रेस्टोरेंट में इमोरल ट्रैफिकिंग का मामला हो रहा है, तो उस सूचना के सत्यापन को लेके एक टीम बनाई गई थी, जो डीएसपी सदर के नेतृत्व में टीम गठित करके वहाँ पे छापेमारी करवाई गई। तो वहाँ पे जो है वो कुछ लोगों को आपत्तिजनक हालत में देखा गया, तो उनमें से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उस वहाँ चार मोबाइल भी बरामद हुए हैं और 7,500 रुपया भी बरामद हुआ है और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। इस पूरी टीम के द्वारा, जिसमें महिला थाने के भी एक पदाधिकारी सुधा कुमारी इसमें शामिल रही थी, और इस पूरे मामले को लेके आगे भी अनुसंधान किया जा रहा है, उन लोगों से पूछताछ करके आगे भी इस मामले में को फॉलोअप किया जा रहा है। सर, जो चार गिरफ्तारी हुई है उसमें कोई महिला भी है क्या संचालिका? हाँ, एक उन चार में से एक महिला भी है। शराब भी बरामद किए गए हैं। कितने शराब सर? उसका भी अलग से एक केस दर्ज किया गया है शराब को लेके भी, और उस जहाँ शराब बरामद हुआ है उस पार्ट को सील भी कर दिया गया है।